स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आने के बाद सफाई का पंच लगाने के उद्देश्य से इंदौर शहर के मूसाखेड़ी स्थित नाले में क्रिकेट के आयोजन के बाद विवाह वर्षगांठ और अब स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छता का पंच लगाने के उद्देश्य से इंदौर शहर में नाले में विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को अरविंदो अस्पताल के माध्यम से इंदौर नगर निगम द्वारा चौधरी का पार्क सूखे नाले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित बीमारियों के पीड़ितों का इलाज और जांच निःशुल्क की गई। इंदौर शहर द्वारा स्वच्छता को लेकर दूसरे शहरों की स्वच्छता की प्रेरणा दी जा रही है, जहाँ नाले में विभिन्न तरह की गतिविधियाँ हो रही है। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। आज के आयोजन बारे में। आज का आयोजन हमने नाले के अंदर स्वच्छ नाला हेल्थ चेकअप कैंप अरविंदो हॉस्पिटल के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा के सहयोग से रखा गया है। जोन 18 के अंतर्गत ये नाला आता है, विराट नगर चौधरी पार्क का नाला कहलाता है। यहाँ पे किसी टाइम में बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ करती थी, लेकिन वाटर प्लस के अंतर्गत हमारे निगम आयुक्त के आदेश अनुसार हम लोगों ने इस नाले को साफ़ किया, स्वच्छ किया। और इसका आयोजन का रखने का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों का नाले के प्रति एक रुझान भी रहेगा, लोग साफ़ रखेंगे और लोग गंदगी भी नहीं करेंगे। तो हमने समय समय पे यहाँ पर हमारा आयोजन भी होते हैं, क्रिकेट मैच भी हमने पूर्व में कराया, कल हमने एक शादी की सालगिरह भी यहाँ उसका भी आयोजन कर रखा था। किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं आप दूसरे शहरों को? भाई जहाँ लोग रहते हैं वहाँ सफाई तो होने चाहिए, ये इंदौर ने 4 साल से करके दिखाया नंबर 1 आके, और इंदौर एक रोल मॉडल हो गया है पूरे भारत में। इससे लोगों को प्रेरणा यही मिल रही है कि यार इंदौर जब मैं कर सकता है तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए, और भी शहर हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं जोन 18 ZO अतिक खान। कितने पेशेंट्स अभी तक देख चुके हैं आप लोग? इसमें हमारे मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, स्त्री रोग विभाग, नेत्र विभाग, स्किन डिपार्टमेंट आदि विषयों के विषय विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, और लोग अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ करवा रहे हैं। साथ ही हम उन्हें अधिक समस्या होने पर अरविंदो अस्पताल की भी सलाह दे रहे हैं। सर, कोरोना का मौसम भी चल रहा है, एक तरह से अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना को लेकर किस तरह की सावधानियाँ अभी बरती जा रही है स्वास्थ्य शिविर में? कोरोना में हम मास्क सभी के लिए अनिवार्य है, सैनिटाइजर यहाँ आप देख ही रहे हैं कि सैनिटाइजर हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, डिस्टेंसिंग की बात है, हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर चल रहा है। व्यापम को लेकर लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्या अपडेट है अभी? क्या अभी तक तो माननीय मंत्री जी ने बोला है कि जो PEB के जो चेयरमैन है AK सिंह, उनको बुलाकर उस पर अपने करने का बोला है, लेकिन हम छात्र भी ये चाहते हैं कि अब उनके नाम पर हम लोग तिलक नगर थाने में जाकर शिकायत करें, क्योंकि क्या है कि इनका तो 2013 की व्यापम जो घोटाला हुआ वही लोग संलिप्त छात्र है। तो हम लोग अभी सभी जो छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कृषि महाविद्यालय चौराहे पे, और सभी लोग अभी मिलकर और इसकी शिकायत करने जा रहे हैं तिलक नगर थाने में। आपने ज्ञापन भी दिया है कई जगह? ज्ञापन हमने राज्यपाल महोदय को, CM महोदय को, कृषि मंत्री, सभी जगह IG ऑफिस, कलेक्टर पर सभी जगह ज्ञापन दिया, और जहाँ जहाँ मिल रहे मध्य प्रदेश के जितने तमाम जिलों में मंत्री जी का दौरा हो रहा है, सांसद जी का दौरा हो रहा है, हम सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं। कल हमारा झाबुआ में भी ज्ञापन हुआ था, कलेक्टर महोदय को दिया था, ऐसे मतलब लगातार हमारे ज्ञापन अभी दे रहे हैं। और अब आज से हम लोग है ना अनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए भी जा रहे हैं कि जब तक इस पर कुछ ठोस कार्रवाई ना हो, एग्ज़ाम कैंसिल ना हो और वापस से एग्ज़ाम दूसरी रिकंडक्ट ना हो, जब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और व्यापम के जितने दोषी अधिकारी, छात्र, नेता, जो भी, जब तक उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है इस बार। पुलिस से किस तरह की? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।